हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। दोस्तों, वाटर टैंक जो एक मतलब कि रेक्टेंगल टाइप का है या स्क्वायर टाइप का है, जो भी उसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें जो वाटर कितना आ सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, इसी वीडियो में दोस्तों मैं डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान दोस्तों उसको कैसे पता करें कि मतलब कि अपने उसमें पानी कितना लीटर आता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है पानी की, दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कैसे पता करेंगे हमारे घर में जो वाटर टैंक है और उसमें कितना लीटर पानी आता है और उसको कैसे और उसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा, डिस्कस करके आपके साथ बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आजकल दोस्तों हमारे घरों में रेक्टेंगल टाइप या सर्कुलर टाइप का मतलब कि वाटर टैंक बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो जो दोस्तों बने होते हैं दोस्तों, जो आज जो आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक रेक्टेंगल टाइप का जो वाटर टैंक है उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी आ सकती है और पानी की जो कैपेसिटी है कितनी आ सकती है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक जो देख रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जिसकी जो हाइट जो कितना दिया हुआ दोस्तों, 1 मीटर दिया, उसकी ब्रेथ कितनी दिया, उसको मीटर दिया हुआ, और उसकी हाइट जो उसकी सॉरी लेंथ जो दिया उसकी, उसकी 1 मीटर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो लगने इसमें जो कैपेसिटी वाटर टैंक की मतलब कि वॉल्यूम जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो वी इक्वल टू हो गया एल इनटू बी इनटू एच। ठीक है, लेंथ कितना हमारा 1 मीटर है, बी इक्वल टू हो गया 1 मीटर, एच क्या हो गया 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 1 क्यूबिक मीटर। दोस्तों इसका जो वॉल्यूम जो कैलकुलेशन कैलकुलेट करके आया दोस्तों कितना हो गया 1 क्यूबिक मीटर है। ठीक है दोस्तों, 1 क्यूबिक मीटर में जो आता है दोस्तों 1000 लीटर आता है, मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर में जो लीटर में जो क्वांटिटी आएगी 1 क्यूबिक मीटर में वो 1000 लीटर आएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का जो रहेगा दोस्तों कितना आएगा, मतलब 1 क्यूबिक में मतलब 1000 लीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जैसे कि 1 बाई 1, ठीक है, मतलब ये 1 मीटर लेंथ होगी, 1 मीटर हाइट होगी, 1 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, उसमें जो वाटर की जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर रहेगी। ठीक है दोस्तों, 1000 लीटर रहेगी, जैसे कि 2 क्यूबिक मीटर हुआ तो 2000 लीटर होगी, 3 क्यूबिक मीटर हुआ तो 3000 लीटर होगी। दोस्तों डिपेंड करता है उसके साइज पर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने 1 मीटर लेके चलो, ठीक है, 1 क्यूबिक आया तो कितना मैंने इसमें कैलकुलेशन करके आया, 1000 मीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने जो मीटर में कन्वर्ट किया, ऐसे मतलब फिट में कैलकुलेशन करेंगे तो फिट में जो उसके जो लीटर मतलब वाटर लीटर की जो कैपेसिटी है मतलब कितने लीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, वो भी इसमें मैं फिट में कन्वर्ट करके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मीटर में बताया, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं ये मीटर फिट में कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है दोस्तों, वो मीटर में था, ये मैं फिट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्यूबिक है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी देर रखा उसका 1 मीटर, सॉरी इसकी हाइट कितनी 1 फीट है, और उसकी ब्रेथ कितनी देर रखा उसका 1 फीट है, और चौड़ाई कितने लेंथ कितनी दिया उसको 1 फीट। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा दोस्तों, एल इन टू बी इन टू एच। ठीक है दोस्तों, लेंथ कितना 1 1, बी इक्वल टू 1, एच कितना इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का कितना 1 क्यूबिक फीट आया दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का जो आएगा दोस्तों 1 क्यूबिक फीट आया। तो दोस्तों 1 क्यूबिक फीट जो होता है हमारे दोस्तों 28.31 लीटर के बराबर होता है, मतलब 1 क्यूबिक फीट जो दोस्तों हमारा आएगा 28.31 लीटर के बराबर है। दोस्तों जो 2 क्यूबिक फीट की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.31 = 56.62 लीटर। इस तरह से 3 क्यूबिक फीट आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 28.31 = 34.93 लीटर। इस तरह से मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने मीटर में भी बताया और फीट में बताया, तो मतलब 1 फीट जो हमारा जो 1 क्यूबिक फीट जो रहेगा 28.31 क्यूबिक लीटर के बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, कि जैसे कि मतलब कि ये क्यूबिक फीट में था, वो क्यूबिक मीटर में था, क्यूबिक मीटर में से मैंने उसमें कन्वर्ट किया तो उसमें लीटर में आ गया, तो उसमें क्या है 1 क्यूबिक मीटर जो है दोस्तों मेरे 1000
लीटर के बराबर है, और 1 क्यूबिक फीट जो है दोस्तों 28.31 लीटर के बराबर है। क्यूबिक फीट जो है दोस्तों 28.31 लीटर के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने क्या वाटर की जो वॉल्यूम है, मतलब वाटर टैंक का जो वॉल्यूम है, उसका जो कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस है दोस्तों इसी वीडियो में बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा उसका कंक्रीट कैसे निकालते हैं और रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।